हेलो नमस्कार। तो आइए हम लोग आज के मार्केट में एनालिसिस करते हैं और यहाँ पे किसी भी स्टॉक से रिलेटेड बाय सेल का रिकमेंडेशन नहीं देते हम, और हम सेबी रजिस्टर्ड एडवाइजर भी नहीं है। वीडियो पसंद आए तो सब्सक्राइब करना और जो लेवल देते हैं उस पर बस ध्यान देना कि मैं क्या लेवल दे रहा हूँ। अब देखिए मार्केट जो है, अगर आप देखिएगा तो ये मार्केट जैसे एक चैनल में है और ये परफेक्ट चैनल है। यहाँ से देखिए अपर साइड से रिजेक्शन लेकर लोअर साइड पे, और अगेन लोअर साइड से रिजेक्शन लेके अपर साइड से फिर से लोअर साइड पे आ गया है मार्केट। तो अब हमें ये देखना पड़ेगा कि ये मार्केट जो है इस लेवल को अगर कल निकालेगा, याद रखिएगा इस लेवल को अगर कल निकालेगा, कल बजट है और मार्केट में कुछ भी हो सकता है, कहां नहीं जा सकता। मार्केट न्यूज पे रिएक्ट करता है, लेवल पे कम काम करता है, तो इस चीज को आप ध्यान रखिएगा। मार्केट में जैसा न्यूज होगा उसके अकॉर्डिंग मार्केट काम करता है, और खास करके अगर आपको इस टाइम में बजट के टाइम में आपको मतलब सेकेंड हाफ के बाद में जब बजट खत्म हो जाता है उसके बाद मार्केट डिसाइड करता है कि मार्केट किधर जाना है। तो पहले साइडवेज रहने का सुबह में संभावना रहेगा, उसके बाद मार्केट डिसाइड करेगा कि वो ऊपर जाना चाहता है, नीचे जाना चाहता है या वहीं पर आना चाहता है, ठीक है। क्योंकि इसके पहले वाला जो बजट था मार्च वाला, उसमें आप देखना कि 1 फरवरी को वो साइडवेज हो गया था, कंप्लीट साइडवेज हो गया था। तो अब हमारे लिए क्या लेवल निकल के आ रहे हैं अगर हम लोग उस पर चर्चा करें, तो हमारे लिए देखिए यही लेवल है मार्केट में। अगर यहाँ पे सेलर का स्टॉप लॉस है और इसके नीचे बायर का स्टॉप लॉस है तो कौन ट्रैप होता है, और मार्केट देखिए इस चैनल में है तो क्या ये चैनल को फॉलो करके मार्केट यहां तक जाएगा, या फिर जो है सो मार्केट इस लो को ब्रेक करके और ये नीचे का लेवल भी आ सकता है जो कि आपका है यहाँ पे ये वाला लेवल। ये वाला लेवल कौन सा है, 24,185 का लेवल क्या नीचे आ सकता है। अच्छा ये बजट का टाइम है तो कुछ भी हो सकता है, तो हम एक लेवल और लेके चलेंगे नीचे, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि मार्केट बहुत ज्यादा ही गिर जाता है, तो उसके लिए एक लेवल हम लोग और नीचे लेके चलते हैं और हम लोग आ जाते हैं इस वाले लेवल तक। हमारा जो है सो मार्केट आ सकता है 23,900 तक आ सकता है। अब कितना जाएगा वो तो गिरेगा चढ़ेगा वो तो समय बताएगा, कल ही बताएगा, लेकिन अपना एक ऑब्जर्वेशन होना चाहिए और जिसपे आप उस ऑब्जर्वेशन पे खड़े रहें कि हमारी कल की क्या प्लानिंग रहेगी। तो अपनी कल की प्लानिंग रहेगी इस लेवल के नीचे, मतलब 24,450-55 के नीचे हम बियरिश हो जाएंगे, और इस लेवल के नीचे हम हल्का क्वांटिटी ऐड करेंगे और इसके ऊपर निकल गया तो हम बुलिश हो जाएंगे, और हमारा पहला टारगेट यही रहेगा 650 का, और उसके बाद में हमारा रहेगा 700 के समथिंग का, और फिर जो है सो ऑल टाइम हाई कराएगा, ठीक है। ये जो है सो आपको एक चीज मैं बता दूं कि ये बाई सेल का रिकमेंडेशन मत लीजिएगा, इसको मार्केट को लेवल निकालने दीजिएगा। अच्छा अब यहाँ पे है कि मार्केट इसी रेंज में खुल के नीचे आ रहा है तो हम नीचे का ट्रेड, इसके नीचे हम बियरिश रहेंगे, और यहां से ऊपर जा रहा है तो यहां तक का पहला टारगेट रहेगा। मार्केट इस रेंज में रह गया तो कुछ नहीं कर सकते हो, यहां से बाई ऊपर से सेल कर सकते हो। गैप अप ओपनिंग अगर यहां पे हो करके 15-20 मिनट टिक गया तो मार्केट फट जाएगा ऊपर साइड में। गैप डाउन होकर 15-20 मिनट यहां टिक गया तो मार्केट पहले गिरेगा और फिर धीरे धीरे रिकवरी करेगा। अब ये मार्केट पे, अब इसके पहले क्या हुआ था अगर आपको याद हो, इस बजट नहीं इसके पहले वाले बजट में मार्केट रिकवर किया और यहां से शार्प फॉलिंग आ गई। तो मार्केट में ये सारी संभावनाओं पे मैं चर्चा कर रहा हूं जिसको आप लोग ध्यान रखिएगा, क्योंकि अगर आप इस पे काम नहीं करेंगे तो प्रॉब्लम आपको ही होगा। अब आइए हम लोग आते हैं बैंक निफ्टी पे कि बैंक निफ्टी क्या कर रहा है, ठीक है। तो बैंक निफ्टी इंडेक्स को अगर आप ध्यान से देखिएगा यहां पे, तो बैंक निफ्टी इंडेक्स में ये क्या कर रहा है, एक लोअर लो के फॉर्मेशन में ये चल रहा है। बैंक निफ्टी इंडेक्स कौन से फॉर्मेशन में है, एक लोअर लो के फॉर्मेशन में चल रहा है, जो कि मैं बहुत पहले से इसको लेवल लगा के आया हूं, 2-3 दिन इधर एनालिसिस भी नहीं हुआ है, उसके बावजूद भी ये वैसे ही चल रहा है। तो हमारे लिए अब क्या इंपॉर्टेंट है, तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट यही लेवल है। हमारे लिए इंपॉर्टेंट ये है कि मार्केट अगर यहीं पे क्लोज हो जाएगा आज तो अगर ये मार्केट इस ऊपर इसके ऊपर अगर निकालता है, याद रखिएगा मार्केट अगर इसके ऊपर निकालता है तो फिर हम ये फट के 4 हो जाएगा ऊपर साइड में, चला जाएगा मार्केट। लेकिन अगर यह मार्केट इसके नीचे आता है, मतलब इस लेवल के नीचे आता है, तो बहुत दिन से मार्केट ऊपर निकालने की कोशिश नहीं कर रहा है, ध्यान से सुनिएगा, मार्केट बहुत दिन से ऊपर निकालने की कोशिश कर रहा है, नहीं निकल रहा है, कितना बार यहां पे मार्केट ट्राई कर लिया नहीं निकल रहा है। अगर इसके ऊपर होगा तो बहुत तेजी से बुलिश हो जाएगा, क्योंकि बहुत सारे स्टॉप लॉस पड़े हुए हैं, लेकिन बायर के भी बहुत सारे स्टॉप लॉस पड़े हुए हैं नीचे साइड में,
तो अगर मार्केट इसके नीचे निकला तो भी मार्केट आपको यहां नहीं, इसके और नीचे 51,000 तक भी ये जा सकता है। तो ज्यादा ही कोचिंग करा, तो मार्केट आपको यहां तक 50,288 तक का भी लेवल दिखा सकता है, लेकिन उसके लिए जरूरी है कि मार्केट ट्रेंडिंग हो, और वो पता चल जाएगा सुबह में ही। मार्केट इस रेंज में खुला, इसको निकाला तो यह एक बेयरिश फ्लैग मान लीजिएगा लंबे टाइम फ्रेम में, और एक लंबे टाइम फ्रेम में बुलिश 60,000 तक का आपका, अगर इसको निकाल देगा तो ये 60,000 तक भी जा सकता है। लेकिन अगर ये इसके नीचे आता है तो ये सारे जो शॉर्ट करके बैठे हुए लोग वो जीत जाएंगे। अब मार्केट एक नीचे 51,000 तक भी यहां से जा सकता है। तो आपको क्या करना है, कल के दिन हमारी प्लानिंग क्या रहेगी, अगर मार्केट रेंज में खुल के ऊपर निकालता है तो पहला टारगेट यही रहेगा, हो सकता है यहां से बहुत बड़ा फॉल यहां तक का आ जाए, जो पहली बार, जो पहली घटना है जो इस बजट के पहले वाले बजट में हुआ, एक तो ये है। दूसरा इसमें एक चीज और है कि गैप डाउन अगर यहीं पे खुल गया तो फिर ये मार्केट ऐसे आएगा, और या तो ऐसे आ जाए फिर ऐसे निकल जाए, या फिर गैप अप अगर यहां पे आ गया तो फिर ऊपर चला जाए। तो ये सारी संभावनाओं पर हमने चर्चा कर लिया। मार्केट यहां खुल करके और नीचे आना शुरू हो जाएगा तो फिर ये मार्केट टूट जाएगा, और यहां तक का आपको टारगेट 51,000 तक का टारगेट यहां पे मिल सकता है। तो हमने आपको जितनी संभावनाएं हैं सारी संभावनाओं पर चर्चा किया। अब हम आते हैं आपको सेंसेक्स पे आते हैं कि सेंसेक्स क्या कर रहा है। तो अब आते हैं सेंसेक्स पे, तो सेंसेक्स को देखिएगा, लेवल जो लगाए हैं परफेक्ट काम करता है, कहीं पे भी आप जाकर देख लीजिएगा, लेवल जो है हमारा परफेक्ट लेवल जो है वो काम करता है यहाँ पे। अब इसके लिए जो लेवल है हमारे पास में यही लेवल है, और मार्केट जो है अगर आप देखिएगा तो ये जो है इसको फॉलो कर रहा है। तो अब देखिए बैंक निफ्टी रेजिस्टेंस पे खड़ा है और निफ्टी सपोर्ट पे खड़ा है, तो इस कंडीशन में अगर मार्केट कहीं नहीं गया और यहीं पे इसको घुमा दिया गया तो समझिएगा कि ये मार्केट साइडवेज भी हो सकता है, क्योंकि निफ्टी सपोर्ट पे है, बैंक निफ्टी रेजिस्टेंस पे है, और यहीं पे घुमाते रह जाएंगे और उस दिन जैसा सारा प्रीमियम जीरो हो जाएगा। अच्छा एक चीज और है, कल फिन निफ्टी का एक्सपायरी भी है, तो यह भी एक समस्या है, क्योंकि जब भी फिन निफ्टी का एक्सपायरी रहता है 90% टाइम मार्केट साइडवेज रहता है। तो अब हमें कल के लिए जो हमारी प्लानिंग है वो बहुत ही स्ट्रांग प्लानिंग होनी चाहिए। तो हम क्या करेंगे कि अगर ये मार्केट इस लेवल के नीचे निकालता है तो हम नीचे के लेवल को प्ले करने के लिए रेडी रहेंगे, अगर ये मार्केट इस लेवल के ऊपर निकालता है तो ऊपर के लेवल के लिए हम रेडी रहेंगे। गैप अप खुल गया इसके ऊपर और सस्टेन कर रहा है तो ऊपर के लिए, गैप डाउन खुल गया इसके नीचे सस्टेन कर रहा है तो इसके लिए, सिंपल रखेंगे, कोई उसमें वो नहीं है। और उसके बाद में सीएनएक्स फाइनेंस को हम लोग देख लेते हैं थोड़ा सा कि ये कैसा कर रहा है। सीएनएक्स फाइनेंस को अगर देखिएगा तो यही चीज हम आपको बार बार बता रहे हैं कि ये जो है एक साथ नहीं है ये दोनों, तो ये समस्या क्रिएट कर सकता है आपके लिए, हमारे लिए, सबके लिए एक समस्या क्रिएट कर सकता है, क्योंकि ये रेजिस्टेंस पे खड़ा है और निफ्टी सपोर्ट पे खड़ा है। तो यहां पे भी प्लानिंग हमारी वही रहेगी कि अगर ये मार्केट आपका यहां से, एक ये भी आपका ट्रेंड लाइन है जिसको आपको ध्यान रखना पड़ेगा, अगर ये मार्केट इस ट्रेंड लाइन को निकालता है तो फट के चार हो सकता है, और इधर कहीं से रेजिस्टेंस ले लिए तो बहुत तेजी से गिर भी सकता है। तो हमें पुराने के पुराने बजट वाली याद आ जाएगी। और अगर ये नीचे आता है इधर, तो इधर आकर के फिर यहां से सपोर्ट लेकर के फिर से ये ऊपर जा सकता है। तो हमें अगर इस रेंज में है तो कुछ नहीं करना है, इसके ऊपर बाइंग करेंगे और इसके ऊपर सेलिंग करेंगे, सिंपल रखेंगे टारगेट, आपको नीचे लगाया हुआ है इसको नोट डाउन करके रख लेना आप, ये आपके काम आएगा। ओके, और अगर वीडियो पसंद आता सब्सक्राइब करना, धन्यवाद।